बहुत शुक्रिया आपने, अभी मैं आपसे भी बात करता हूँ। अब ये जो कंप्लेंट थी, जैसे वो बता रही हैं सैलरीज की इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट करने के लिए, वो चीज़ें होती हैं कि जिस तरह वो चूंकि कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं जो डायरेक्टर मॉडल कॉलेजेस हैं, उनके पास ये क्योंकि सारे डेली वेजेस टीचर्स थी, तो जब टीचर्स अपनी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी लेने जाते थे तो उनसे मुख्तलिफ फीले बानों से मुख्तलिफ तरीकों से उनको हरासा किया जाता था और उसकी डिमांड्स, उसकी एप्लीकेशन ये आपके पास मौजूद होगी, वो चल रहे होंगे उसके पेजेस। दो खातून टीचर हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन गई थी, वो पूरी एप्लीकेशन हमने यहाँ दी है। ठीक है, तो वो खातून टीचर भी आ जाना चाह रही थी लेकिन चूंकि उनका कोई पेपर था जिस वजह से वो नहीं आ सके, जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनके खिलाफ। तो चूंकि ये मामला उनकी हरासमेंट का था और उसको लेकर उन्होंने ये फायदा उठाते हुए कि असेंबली चली गई है, उन्होंने 10 अगस्त को वर्बल आर्डर किया कि तमाम टीचर्स का दाखिला बंद कर दिया जाए और साथ ये पैगाम पहुंचाया गया कि अगर वो खातून टीचर मुझसे माफी मांग ले तो मैं सबको बहाल कर देता हूँ। मुझे ये बात नहीं समझ आई कि वो ऐसे कैसे 300 टीचर्स को सडनली फारिग कर सकते हैं, कोई कानून कोई कुछ भी नहीं है इसके पीछे? मतलब एक कानून होता तो आप कितनी स्टोरीज अब तक ब्रेक कर चुके हैं, कितने बड़े बड़े स्कैंडल आप सामने ला चुके हैं। कानून होता तो उस पर अमल दरामद होता। सेक्रेटरी जो एजुकेशन है उनके खिलाफ हम कितना बड़ा स्कैंडल दे चुके हैं, चेयरमैन एचईसी के खिलाफ, F11 का जो प्लाट दिया जा रहा है एक प्राइवेट स्कूल को, अमेरिकन स्कूल को, वो कितना बड़ा स्कैंडल है। 20 अरब रुपए का प्लाट वो दिया जा रहा है, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह नायल और करप्ट लोग इस वक्त बड़ी सीटों पर बैठे हैं। अगर सेक्रेटरी एजुकेशन ऐसा बंदा होगा तो नीचे क्या हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा अस्मा ये बताए, अब ये तो एक टीचर का वाकया ना जिन्होंने हिम्मत की और रिपोर्ट किया, सबसे पहले तो उनको सलूट करना चाहिए उनकी जो है बहादुरी के लिए। अब ये जो जितनी फीमेल टीचर्स हैं, क्या ये पहला वाकया है हरासमेंट का या ये ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं? सर देखें, हरासमेंट के ये नहीं है कि सिर्फ एक आपका सेक्सुअल हरासमेंट हो, हरासमेंट का तरीका आप देखें, जब हमें बुलाया गया 10 तारीख को प्रिंसिपल ने अपने रूम में और बिल्कुल एक मतलब विदाउट रिटर्न कोई भी उन्होंने हमें दिए बगैर कह दिया कि जी आप लोग जा सकते हैं। इवन के हमारे मॉर्निंग कॉलेजेस में ना 2 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, इवनिंग के लोगों को कह दिया कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कॉलेज मत आएँ, और हम लोगों को बोल दिया कि आप लोग इसी टाइम निकल जाएँ, आप लोग जा सकते हैं। मतलब ये भी तो हरास है ना कि 15 साल की मेहनत के बाद आपको एकदम से ये बोल दिया जाए। इवन के जब हम काम कर रहे होते हैं कि अगर हमें एक छुट्टी अलाउ है मंथ में, कोई और इशू हो जाए तो हमें फ़ोन आ जाता है कि जी आप लोग आए, आपने क्यों छुट्टी की है। 50% जो है ना हमारे डेली वेज स्टाफ है इन मॉडल कॉलेजेस में जो चला रहा है। अगर हम लोग अभी जो हालात कॉलेजेस में आप जाकर देखें तो आपको पता, वहाँ पे जो उस दिन हुआ जब हमें कहा गया आप लोग चले जाएं, जो सीनियर स्टाफ था उनको बोला गया कि 3 बजे तक आप रुकें, आप लोग क्लासेस को चलाएं, तो जो